हाँ जी, वेलकम टू बदनाम रसोई जी आयनो। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ में वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं एक रिक्वेस्टेड रेसिपी जो कि विमल जी ने मुंबई से रिक्वेस्ट की थी, सैंडविच घर पे कैसे बनाते हैं। 40 से 50 रुपए में बेकरी में या रेस्टोरेंट में मिलने वाले सैंडविच आज हम बनाने जा रहे हैं 6 रुपए में। आइए देखते हैं कैसे। हमें लेनी है ब्रेड, नमक, कैबेज, कैरेट्स, काली मिर्च और साथ ही साथ मेयोनीज। अगर आपके पास में ब्रेड सैंडविच वाली ना हो तो नॉर्मल जो ब्रेड आती है उसके साइड्स के कॉर्नर्स कट कर लेंगे, राइट? अब हम बनाते हैं सबसे पहले सैंडविच के जो अंदर हम जो स्टफिंग लगाएंगे वो कैसे होती है। हमने मेयोनीज लेनी है, हमने यहाँ पे 3 चम्मच मेयोनीज ली है और साथ ही साथ कैबेज लिया है। कैबेज बिल्कुल बारीक कटा हुआ आपने लेना है, तभी मजा आएगा आपको। उसके बाद में हमने गाजर ली है। अब गाजर कम इसलिए ली है, हमने ना के बराबर ही लेनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गाजर अच्छा टेस्ट नहीं देती है। साथ ही साथ में हम काली मिर्च लेंगे और हमने इसके अंदर डाल देना है सॉल्ट स्वाद अनुसार, राइट? अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नॉर्मल आपको मिक्स करना है, ऐसा जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिए जब आप इस मिक्सचर को प्रिपेयर कर रहे हैं कि थोड़ा रिचनेस होना चाहिए। जैसे कि अभी हमें मेयोनीज की कमी लग रही है तो हम क्या करेंगे, हमने 2 चम्मच मेयोनीज और डाल लिए है, सो दैट ये जो रेसिपी की जो स्टफिंग है ये थोड़ी सी और क्रीमी हो जाए और ही अच्छा उसका टेक्सचर भी हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। भाई मेयोनीज में कमी मत रखिएगा अगर रेसिपी को लाजवाब और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का बनाना है। हमारी स्टफिंग रेडी है, अब हमने ब्रेड के जो लोफ्स हैं वो लेने हैं, उसके ऊपर हम बटर नाइफ से इस जो स्टफिंग है उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। बस इसमें और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आपने नॉर्मल तरीके से इसको स्प्रेड कर देना है और साथ ही साथ में इस तरीके से आप पहले कर लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ एक लास्ट स्टेप जो आपको करना है। देखिए कितने बेहतरीन लग रहे हैं रेसिपी और कितने ही कम टाइम में ये बन गई, और कितने हमारे जो बाजार में हम लोग इसी तरीके से पैसे खर्च करते हैं ये टेस्ट पाने के लिए, वो हम घर पे ही ले सकते हैं, बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। अब हमने इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल कर देनी है। काली मिर्च वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है हमारा, तो हमने थोड़ा सा और स्प्रेड कर देना। जिसको कम पसंद हो वो अपने हिसाब से डाल ले, और इसमें कोई भी वेजिटेबल्स डालने की जरूरत नहीं है। टेस्ट के लिए आप डालना चाहे तो आप किशमिश डाल दें और भी अच्छा टेस्ट आता है। आपके सैंडविच बनके रेडी हैं। अब जैसे कि बाजार में होता है वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, तो अब आपने इसको क्या करना है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। आप इसको ब्रेकफास्ट में जूस के साथ खा सकते हैं, लंच में लेके जाना चाहते हैं तो फॉइल में अच्छे से रैप करके आप लंच में ले जाइए। आप जैसे खाना चाहें वैसे खा सकते हैं। ये बेहतरीन एकदम न्यूट्रिशियस और हेल्दी सैंडविचेस तैयार हैं। इंस्टेंट रेसिपी है, ज़रूर बना के घर पे ट्राई करिएगा, सबको खिलाइएगा। ब्रेकफास्ट रेसिपी है, बहुत ही इजी है, राइट? पसंद आई हो रेसिपी तो ज़रूर बनाइएगा, हमसे शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।